अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज चल रहे हैं मेरे के आज कुछ सामान वगैरह लेना था, कुछ ग्रॉसरीज लेनी थी, तो आप भी चले हमारे साथ। मेरे के आज कुछ सामान वगैरह लेना था, बेटी का स्कूल था उसके लिए भी कुछ ग्रॉसरीज नहीं थी। चलते हैं और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। गुड गर्ल, माशाल्लाह। फैमिली अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इम्तियाज सुपर मार्केट, द शॉपिंग सोल्यूशन टू द बेस्ट आउटलेट इन कराची। तो बस चलेंगे और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे शायद अलाउ है या नहीं अलाउ, तो देखेंगे। तो अगर हो सका तो मैं अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए कुछ कुछ क्लिप ले सकूँगी, वरना फिर आप लोगों को के साथ ग्रॉसरी ज़रूर शेयर की जाएगी। तो आगे वीडियो पे जाने से पहले जल्दी से क्या कर दें आप लोग सब, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना तो भूलिएगा नहीं। तो चलते हैं आगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को हर चीज़ का विज़िट करा रही थी। अभी एंटर होते ही ये बच्चों का कुछ सेक्शन था और ये कैंडीज़, जैली और चॉकलेट्स वगैरह थी, आप लोगों ने देखी होंगी। और यहाँ पे हम एक प्यारे से बेबी अब्दुल्ला के लिए जो है जैली ढूंढ रहे थे, पर वो नहीं थी, तो उसके लिए सॉरी बेटा। और जो है बस आगे देखता हूँ क्या क्या। तो बस यहाँ पे जो है ये जैलीस भी थी तो मैं आप लोगों को शो करवा रही थी। तो मेरी बेटी ने ज़िद करके ये ली कि हालांकि मैं उसको मीठा मना करती हूँ, तो भाई पर अब फिर क्या कर सकते हैं, जब बच्चे आ जाते हैं साथ तो फिर माँ बाप तो मजबूर हो जाते हैं कि भाई उनका दिल ना दुखाएं, उनको ले दें। और यहाँ पे ये देखें, हम लोगों ने ये जान लिया था गुड़िया के लंच के लिए क्योंकि उसके स्कूल खुलने वाले थे। और जो है ये बहुत अच्छा फ्लेवर का होता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बहुत है, दो लाइक सब्सक्राइब कर देगा। चलो तो मैं ना इसी बोतल के अंदर डाल दूंगी। हाँ, मेरी बेटी को जी। तो भाई अभी आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पड़ी थी गुड़िया रानी को डांट क्योंकि वो इतना ज़्यादा तंग कर रही थी, एक तो सब कुछ उठा उठा के ट्रॉली में रख रही थी तो उसको मना कर रहे थे। तो जो है ये देखें इसकी मस्तियाँ यहाँ पे, और जो है ना कैमरे के बिल्कुल सामने सामने आके तंग कर रही थी। तो बस भाई यही सब लिया अब तक, और आज फर्स्ट टाइम है कि
ट्रॉली नहीं चल रही मुझसे। तो बस फैमिली में सब कुछ था और आप लोगों से शेयर करना तो बनता था। आज बहुत टाइम बाद शायद मैं ठीक भी नहीं थी और बस कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमें जाना था। तो हम गए थे तो ना बिल्कुल भी ट्रॉली नहीं चल रही थी और एक नुकसान हुआ, रश बहुत एक्सट्रीमस था, बहुत ज़्यादा था। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने कुछ 4-5 बॉक्स लिए थे कनॉर के और ये ऑयल लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा रेट हाई हो गए थे फैमिली इनके। भाई यहाँ पे मैंने इंडिया का ज़बरदस्त सा ज़ाफ़रान लिया था तो भाई अब इसको यूज़ करेंगे तो ज़रूर बताएंगे। और जो जो मेरी इंडियन प्यारी सी फैमिली मुझे देख रही है तो भाई आप लोगों के साथ अच्छी सी रेसिपी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई जैसे आप लोगों को पता है 14 अगस्त पेश है, अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे ज़बरदस्त से कपड़े थे 14 अगस्त के हवाले से और वैसे भी कैजुअल कपड़े मौजूद थे। और भाई यहाँ तो आ गए थे हम द मोस्ट मेरे प्यारे फेवरेट सेक्शन में। और भाई ये रहा मेरा ज़बरदस्त सा सबसे फेवरेट सेक्शन किसी भी आउटलेट पे, किसी भी मॉल में और किसी भी हाइपर मार्केट में जाके। तो बस यहाँ तो जाके ना दिल करता है बस सब ले लो। और यहाँ पे हमने कोम ली थी जो आपने अभी देखी होगी तो बस उसकी ज़रूरत थी, ब्रशेस तो थे तो ये मैं बस आप लोगों को दिखा रही थी कि क्या वैरायटी आजकल आई हुई है। तो भाई यहाँ पे जो है ना मेकअप लवर वाले जल्दी से हाजिरी लगा लें तो ये मैंने आप सब प्यारी से फैमिली जो मेकअप लवर्स हैं तो उनके लिए कुछ थोड़ा सा शूट किया क्योंकि अलाउ नहीं था। और यहाँ पर एक अर्क ली थी मैंने। अच्छा यहाँ पे मैं आपको कुछ पैपलम दिखा रही थी, बहुत अच्छे फ्लोरल से डिज़ाइन थे। और यहाँ पे गुड़िया को एक ड्रेस ट्राई करवाया था पर जो है ना वो साइज़ उसमें थोड़ा सा बड़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि जो है ना आप 2-2.5 घंटे तक ना स्टॉक आया हुआ है तो वो लग जाएगा। तो आप तब देख लें पर अब इतना ज़्यादा वेट तो नहीं कर सकते थे। और यहाँ मेरी प्यारी सी प्रिंसेस ने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर दी थी खुद ही से कि मामा दे मैं आपको जो है ना रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो मैंने कहा कि भाई नेकी और पूछ तो लो भाई फ़ोन और जल्दी से मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दो। तो बस यहाँ पे उसी ने किया तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा कैप्चर किया है। तो बस यहाँ पे वो आप लोगों को दिखा रही थी, वो भी ख़ुद भी छोटी है ना तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो देखें यहाँ पे कितना प्यारा कार रोबोट था और हैवी जीप्स थी, बाइक थी और बहुत अच्छे ऑटोमेटिक टॉयज थे सब बच्चों के लिए। और ये कार सीटर्स भी मौजूद थे, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। और यहाँ पे वो अपनी जगह पे आ गई मेरे ख्याल, हाँ स्टेशनरी पे, तो ये शो करवा रहे थे। बॉटल्स की बहुत अच्छी रेंज आई हुई थी क्योंकि बच्चों के स्कूल ऑन होने वाले हैं तो वाटर बॉटल, लंच बॉक्सेस, बहुत अच्छी कलेक्शन मौजूद थी। और ये गिफ्ट रैपिंग थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी कि भाई यहाँ पे लिफ्ट भी लग गई और एक और न्यू फ्लोर एड ऑन हो गया है। तो जो है ना हम यहाँ पे लिफ्ट से नहीं गए थे क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा रश था और वेटिंग के लिए बहुत लंबी लाइन थी। तो हम स्टेयर से ही आ गए ऊपर और ये ऊपर का फ्लोर था जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का हर आइटम मौजूद था। ग्रिलर थे, हॉब्स थे, वैक्यूम्स थे, ये डिजिटल फैंस थे, हर तरह की कलेक्शन मौजूद थी। और पता नहीं यहाँ पे क्यों, हालांकि मैंने फ़ोन को ठीक रखा था पर मुझे रीज़न समझ में नहीं आया कि इस तरह थोड़ा हाफ में रिकॉर्डिंग हो गई, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे डेकोरेशन की बहुत खूबसूरत कलेक्शन मौजूद थी, यकीन कीजिए दिल खुश हो गया था। ये पूरा इनका जो है ना, ये आई थिंक सो थर्ड फ्लोर था, फोर्थ फ्लोर था और बिल्कुल न्यू अभी लेविश हुआ था। ये मैं आप लोगों को बताई थी ना कि बिल्कुल न्यू अभी बिल्कुल डिज़ाइन हुआ है, वो बता रहे थे मैक्सिमम 1.5 या 2 मंथ्स हुए हैं और बहुत 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 खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेंट आर्टिफिशियल, ये पूरा उन्होंने सेट डेकोरेट करके दिया था, पिकनिक चेयर्स, वासेस और ये सब जो कंटेनर्स आपने देखे डेकोरेशन आइटम, एक से बढ़ के एक हसीन था, बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह। तो यहाँ से तो हमने कुछ बाय नहीं किया तो इंशाल्लाह जब डेकोरेशन की ज़रूरत होगी तो ज़रूर बाय करेंगे। और आप लोग अगर करना चाहें तो आप लोगों के लिए शेयर कर दिए प्यारी सी वीडियो, तो आप लोग देखें इसको, एंजॉय करें। और जो है ना
मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को बहुत सारा लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। और यहाँ पे मेरी गुड़िया आप सब लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि जैसा मैंने बैक पे भी बताया कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वहाँ साइड पे कहीं बैठी थी, तो उसने कहा कि मम्मा आप मुझे दे दो तो मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो थैंक यू गुड़िया, आई लव यू। तो बस देखिए भाई, आप लोग तक वीडियो पहुंचाने के लिए हमारी कितनी ज़्यादा एफर्ट और मेहनत होती है। तो आप लोगों को तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक लाइक का बटन ही तो हिट करना है और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सबका दिल से बहुत सारा शुक्रिया। और यहाँ देखिए, वो आप लोगों को कितना डिटेल में वासेस दिखा रही थी कि कितने कलरफुल थे, क्रिस्टल में भी बहुत सारी कलेक्शन मौजूद थी और बहुत हसीन थी। और यहाँ पे आप प्राइस टैगिंग भी देख रहे होंगे कि क्या प्राइस है इनकी। और ये देखिए, ये इतना खूबसूरत वास लग रहा था, इसमें अगर आप वाटर डाल के आर्टिफिशियल फ्लावर्स को लगा दें बहुत खूबसूरत लगेंगे। और यहाँ पे तो मेरे फेवरेट वासेस आ गए, ये मुझे बहुत 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 पसंद आए थे। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। मुझे सब में ये सबसे ज़्यादा पसंद आए थे। गोल्ड की कलेक्शन बहुत ज़्यादा मौजूद थी यहाँ पे, ये देखिए बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्हेंस करा था उनकी कलेक्शन। वो कह रहे थे बहुत ही अच्छी अच्छी ला के रखी गई है।